जीनत, स्वागत है आपका। साहब, मेरे ना गुर्दे में पथरी है, 4 mm। तो आप जो बताती हैं वो गुल्लड़ के पत्ते और वो नींबू और जैतून का नमक, तो कितने दिन खाना है? और दूसरा मेरा ये है कि ये गुल्लड़ के पत्ते अगर कहीं नहीं मिलते हो, असल हमें कहीं और से मंगाने हो, तो क्या हम उसे 8-10 दिन फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं? और ये जो है गुल्लड़ के पत्ते नहार में लिए जा सकते हैं या कभी भी? गुलर के पत्ते मंगा कर फ्रिज में रख सकते हैं 8-10 दिन के लिए। और देखा ये गया है कि 8-10 दिन में, किसी को 2 दिन में, किसी को 4 दिन में, किसी को 6 दिन में, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में गुलर के पत्ते और ये नुस्खा जो नमक जैतून और नींबू वाला नुस्खा है, इससे पथरी पाउडर बन के निकल जाती है। अगर ज़रूरत पड़े तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतने दिन में निकलते हुए देखा है हम लोगों ने। और मुझे भी पथरी हो गई थी, तो मेरे तो 6-7 दिन में ही निकल गई थी। अच्छा, गूलर के पत्ते हों या गूलर हो, गूलर फल को जो होता है उसका, ऐसे अंजीर की तरह, अंजीर से थोड़ा छोटा एक फल आता है उसका, वो सूखा हुआ बाजार में मिलता है। गूलर के पत्ते पत्तों की जगह पर वो भी इस्तेमाल हो सकता है, 2 गूलर, और उसी तरह इस्तेमाल करें। और सूखे हुए गूलर मार्केट में दवा फरोशों के, ये जो कच्ची दवाएं बेचते हैं, उनके यहाँ मिल जाते हैं। निहार वो ले सकते हैं हकीम साहब? और बेहतर है निहार मुँह लेना, दिन में एक बार लेना बेहतर है, कभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। मेरी बेटी है छोटी, 33-34 साल उसकी उम्र है, तो उसको ना डार्क सर्कल नहीं है, डॉक्टर ने कहा स्किन डिजीज है उसके। ना वो आईज के नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सिकुड़ सा गया है, और उन्होंने कहा है कि ये दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने बहुत इलाज किए, वो ये नहीं कहते कि डार्क सर्कल नहीं है, इसको डार्क सर्कल नहीं कह सकते, है वो डार्क ही, बिल्कुल ब्लैक हो रही है आईज उनकी बहुत ज्यादा, और दिन पर दिन बढ़ रही है। तो मेरा ये सवाल था कि आप ये इसके लिए इलाज बताएं। हाँ, देखिए, जो नुस्खा मैंने आपको बताया है आपकी उस बच्ची के लिए, वो डॉक्टर की भी दवा देना चाहें तो, लेकिन वो नुस्खा दे ज़रूर, और मुझे लगता है कि उसी से वो बच्ची अच्छी हो सकती है। वो नुस्खा इस्तेमाल करा और अक्सर हमारे और उनके दरमियान कुछ इख्तलाफ होते हैं। हम जो देखते हैं चेहरे से जो पहचान लेते हैं, वो लोग नहीं पहचान पाते, तो ये नुस्खा देखे देखे मुझे उम्मीद है कि उनको फायदा होगा।